नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट। सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यू इंडिया के मोस्ट डिमांडिंग, मोस्ट डिजायरेबल एंड मोस्ट यूनिक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ग्रेड अप पर। आज का हमारा जो पार्ट रहेगा वो है स्टेप नंबर 16, जिसके अंदर हम हिस्ट्री के पर्टिकुलर क्वेश्चंस और हमारे करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। और आज का जो पूरा सेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो सवाल बनेंगे वो एग्ज़ाम में 99% यहीं से आएंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं, बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे भी जा चुके हैं, और साथ ही साथ में ऐसे पर्टिकुलर कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको टॉपिक रिवाइज करने में भी काफ़ी हेल्प करेगा। ये सीरीज़ जो है हमारी, इसके अंदर टोटल 60 क्लासे होने वाली है। आज है इसकी 16th क्लास, 16वीं क्लास है इसकी, और संडे टू सैटरडे ये सुबह 9:30 बजे होती है। और टोटल हम 3500 से ज़्यादा सवाल इसके अंदर करेंगे, जो कि हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर सब कुछ इसके अंदर शामिल होंगे। और 3500 से ज़्यादा हम सवाल यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये हमारा अप्रोच रहेगा इस क्वेश्चन आंसर के बेसिस के ऊपर, हम एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स सभी। और फटाफट से सेशन को कर दीजिए शेयर अपने साथियों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और एक छोटा सा कमेंट ड्रॉप करके और एक छोटा सा लाइक का बटन दबा के आप बता सकते हैं कि आपको ये सेशन और इसके अंदर के क्वेश्चंस कैसे लगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए, और किसी भी जो भी हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं और किसी भी तरह का क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट कि टोटल जो हमारी 15th क्लासेस हो चुकी है उसको आप याद से कवर अप करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो हमारा टारगेट भी ऐसा रहेगा कि हम लोग हर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कभी भी कोई मिस्टेक आए ही ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। During the struggle in the South Africa, which of the following newspaper was started by the Mahatma Gandhi? दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? चार हमारे पास हैं यहाँ पे, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन और हिंद स्वराज। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा न्यूज़पेपर जो है महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था जब वो साउथ अफ्रीका के अंदर संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। तो ये आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और विद इन द 15 सेकेंड आपको आंसर बताना है कि क्या हमारा राइट आंसर रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नमस्ते सोनी पांडे, बहुत बहुत स्वागत है। क्विकली आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये। तो टाइम होता है यहाँ पर हमारा अप, और राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन, बिल्कुल करेक्ट पार्टिकुलर पार्ट है ये। जो आप महात्मा गांधी को जब हम पढ़ते हैं तो 1894 से लेकर के 1806 तक का जो टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है साउथ अफ्रीका के स्ट्रगल का, जहाँ पर उन्होंने क्या अपनाया था, जहाँ पर उन्होंने जो है मेजरली हमारा एक ही सिद्धांत अपनाया था। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम किस तरह से जो है मॉडरेट यानी कि शांतिपूर्वक सिर्फ और सिर्फ पत्र लिखकर तो और बार बार अंग्रेजों को याद दिलाकर जो है हम क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है एक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, राइट्स को जो है अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, ये साउथ अफ्रीका के अंदर उनका अप्रोच था। लेकिन ये ज़्यादा टाइम चला नहीं, है ना, और इस अप्रोच को फॉलो करने के लिए उन्होंने इंडियन ओपिनियन अखबार जो है न्यूज़पेपर था वो चलाया, और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट संस्था बनाई, नेटल इंडियन कांग्रेस। क्या नाम था उस संस्था का जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर बनाई गई? नेटल इंडियन कांग्रेस। ये जो दो संस्था है, एक ये पर्टिकुलर हमारी संस्था है नेटल इंडियन कांग्रेस और हमारा ये अखबार इंडियन ओपिनियन, ये साउथ अफ्रीका के दौरान जो है शुरू किया गया था। बाकी सभी पार्ट जो है इंडिया के अंदर है, ना नवजीवन, हिंद स्वराज जो बुक है, और हिंद स्वराज ओनली बुक है जो कि गांधी जी ने लिखी खुद ने गुजराती के अंदर, इसमें लिखी गुजराती के अंदर लिखी, और फिर इसका ट्रांसलेशन भी खुद ने किया। ये ओनली बुक है ऐसी हिंद स्वराज हमारी जिसको जो है गांधी जी ने गुजराती की लैंग्वेज के अंदर लिखा और फिर खुद ही इसको ट्रांसलेट किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, इंडियन ओपिनियन, बिल्कुल करेक्ट। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सौम्या, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेजल्स रूबेला, खसरा रूबेला का जो हमारा रोग होता है उससे संबंधित यहाँ पर हमारे क्या दे रखा है, तीन स्टेटमेंट लिख रखे हैं। तो उन तीन में से कौन सा बिल्कुल सही है, करेक्ट है, ये बताना है, है ना। रोग से रिलेटेड सवाल आते हैं हमें पता है, डिजीज से रिलेटेड सवाल हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं, तो कौन सा पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ये बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
फटाफट से देखो सेशन को लाइक कर दो, सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा सेशन को कर दो लाइक फटाफट से, जितना जल्दी लाइक करेंगे और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेंगे उसमें मज़ा आएगा, ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ेंगे लाइक तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें भी पता लगेगा कि हाँ हम जो है कहाँ स्टैंड करते हैं और हमें और कितनी मेहनत की रिक्वायरमेंट है। तो क्विकली लाइक कर देंगे सेशन को फटाफट से, सभी साथियों से रिक्वेस्ट रहेगा, छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक ही आपका ड्यूटी है छोटा सा कि आपको सेशन को शेयर करना होता है और लाइक करना होता है। तो बिल्कुल टाइम हो जाता है, यहाँ होता है हमारा अप, और जो राइट आंसर यहाँ रहता है हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो ध्यान से देखिएगा, ये खसरा रुबेला से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकता है क्योंकि ये पूछा जाता है किस तरह का रोग है ये भी पूछा जाता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली राइट थिंग है ये हमारा। ये भी मिजल्स भी वायरस के कारण होता है और रुबेला भी वायरस के कारण होता है। रुबेला को हम जो है जर्मन मिजल्स के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, रुबेला को हम जर्मन मिजल्स के नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और दोनों ही क्या है, वायरस जनित रोग है, और दोनों ही के अंदर मेजरली क्या होता है हमारा, जैसे कि मिजल्स जब होता है तो कफ होता है, स्निचिंग आता है, इससे ना अफेक्टेड तो पर्सन को जो है ये चीज़ें होती है। लेकिन जो जिसको रुबेला हो रखा होता है जिसको हम जर्मन मेजल्स कहते हैं, उसके बॉडी के ऊपर रेड कलर के रैसेस बन जाते हैं, ये हमारा क्या है, वायरस जनित रोग है। बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट ऑप्शन नंबर वन। और रुबेला जो पर्टिकुलर कंसर्न पर्सन है वो बर्थ के जो हमारा पार्ट है उसके अंदर ही बिल्कुल गंभीर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कोई भी नया कोई बच्चा है हमारा जो ना, वो अगर मान लीजिए रुबेला से ग्रसित निकलता है, नवजात बच्चा जो है वो गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, उसके अंदर शरीर के अंदर कई सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि अंधापन, ब्लाइंडनेस हो सकती है, डीफनेस यानी कि बहरापन आ सकता है, मेंटली थोड़ा कमज़ोर हो सकता है ना, हार्ट के अंदर किसी तरह का डिफेक्ट आ सकता है। तो ये भी बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट कह रखा है। और खसरे से निमोनिया, दस्त और इंसेफ्लाइटिस जैसी द्वितीय सहायक समस्या भी उत्पन्न हो जाती है, बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट है ना। जिस किसी को अगर मिडल्स हो रखा है तो ये भी बीमारियां हो सकती है, जैसा कि हमने शुरुआत में इसके लक्षण बताए थे कि कफ हो जाता है, स्निचिंग हो जाती है, तो आगे जाके ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट बोला गया यहाँ पर, तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी बीमारी से रिलेटेड सवाल है ना, जो डिजीजेस है अभी टाइम पीरियड हमारा कौन सा चल रहा है, डिजीज का चल रहा है, उसी से रिलेटेड सवाल है। तो हमें बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, और ये करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है, याद रखिएगा लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, तो लास्ट वन ईयर के करंट अफेयर से ये रिलेटेड सवाल है। बैसिल कैलमेट गुएरिन नाम का एक टीका है जो कि टीबी से यानी तपेदिक से लड़ने के लिए कारगर है, ऐसा स्टेटमेंट के अंदर दे रखा है। और दूसरा बता रखा है कि तपेदिक का जो अधिकतम भार है वो सामान्यतः पुरुषों पर पड़ता है। ये हमारा करंट अफेयर का पर्टिकुलर पार्ट है, देखते हैं कितने लोगों का करंट अफेयर अच्छे से याद है और क्विकली इसका आंसर करेंगे सभी साथी हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करेंगे अपने हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और किसी भी तरह का डाउट आता है तो बिल्कुल पूछेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कौन सा पर्टिकुलर पार्ट यहाँ सही है ये हमें बताना है। तो टाइम होता है यहाँ पर हमारा अप, और राइट आंसर जो रहता है वो ऑप्शन नंबर सी रहता है। दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कह रखे हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है हमारा। ये जो टीका है ये बेसिल्स क्लेमेट जो हमारा गोरिन है, BSD जिसको हम कहते हैं, ये बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट कह रखा है। तपेदिक का जो है ना टीबी का ये टीका है, टीबी डिजीज के लिए यूज़ किया जाता है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा याद रखिएगा, इस ये भी करंट अफेयर के अंदर था इसीलिए सवाल बना है, लेकिन ये जो पार्ट है ये याद रखना पड़ेगा आपको। जो लेटेस्ट हमारे पास रिपोर्ट आई थी, उस लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो है एज ग्रुप अगर 15 के बराबर और 15 से ज़्यादा के साल के बच्चे ना हम बात करें, ग्रुप की बात करें एज ग्रुप के अंदर, तो 57% जो पुरुष है उनके अंदर ये टीबी का रोग पाया जाता है। इसीलिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या राइट आंसर रहेगा, ज़्यादा हमारा राइट आंसर ये ऑप्शन रहेगा, हाईएस्ट बर्डन किसके अंदर माना जाता है, मेन के अंदर माना जाता है, यानी कि पुरुषों के अंदर पाया जाता है। क्यों, क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो हमारी टीबी की रिपोर्ट आती है हर साल, उसके अनुसार 15 साल से ज़्यादा के जितने भी हमारे पर्सन हैं जो कि टीबी से ग्रसित है, उसमें 57% क्या है, पुरुष है। तो ये चीज़ वहाँ से करंट अफेयर के अंदर वन के क्वेश्चन के अंदर आई, और हमारा एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछता ही पूछता है। तो दोनों ही पर्टिकुलर पार्ट क्या है, सही है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा नॉन अलाइंस मूवमेंट से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। नॉन अलाइंस मूवमेंट से रिलेटेड बहुत सारे सवाल एग्जाम के अंदर बनते हैं, और यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर जो नॉन अलाइंस मूवमेंट था उसमें सेक्रेटरी जनरल कौन थे, है ना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये पूछा जा रहा है। तो चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कौन से ऐसे प्रेसिडेंट रहे हैं जो कि हमारे सेक्रेटरी जनरल ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट भी रह चुके हैं।
टाइम होता है यहाँ पर हमारा अप, और राइट आंसर रहेगा ज्ञानी जेल सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखो नाम ये अभी हाल ही के अंदर न्यूज़ में भी था, नाम उससे रिलेटेड सवाल एग्जाम के अंदर बन सकता है ना। जब आपने ये करंट अफेयर का पार्ट पढ़ा होगा तो इस फैक्ट को जरूर पढ़ा होगा। नाम एक्चुअल में ये जो नॉन अलाइन मूवमेंट है हमारा, जिसको हम जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको नाम कहते हैं, जब ब्रिटिश जो टाइम साम्राज्य था वो खत्म होने लगा, यानी कि कॉलोनीज जो है सिस्टम खत्म होने लगे, और अफ्रीका, एशिया, हमारा लैटिन अमेरिका ये जो पार्ट है, ये सब जो है हमारे जो है देश आज़ाद हो रहे थे, और उस समय जो है कोल्ड वॉर की सिचुएशन बनी रही थी हमारे यूएस और रशिया के बीच के अंदर। तो ये डिसाइड करना था कि हम किसको जो है साथ देंगे, क्योंकि तो कॉलोनी तो खत्म हो गई, अब दो पावर जो मेजरली बची वो यूएस और रशिया बची। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग किसी का साथ नहीं देंगे ना, हम लोग जो है रशिया के साथ जाएंगे ना यूएस के साथ जाएंगे। तो इसीलिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई थी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, बांगडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्या हुई थी? बांगडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस कब होती है? ये कॉन्फ्रेंस होती है 1955 के अंदर। कब होती है? 1955 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होती है, और इस बांगडुंग कॉन्फ्रेंस के अंदर ही इस नाम को बनाया जाता है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ज्ञानी जेल सिंह जी जो है इसके चेयरमैन बनते हैं, कब? 1983 से लेकर के 86 का जो टाइम पीरियड है, जब हमारे वो प्रेसिडेंट होते हैं उस समय जो है उस चेयर पे बैठते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अलावा एक और हमारे प्रेसिडेंट है जो इसके चेयरमैन बने थे, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा, वो थे हमारे नीलम संजीवा रेड्डी, है ना। एक और हमारे प्रेसिडेंट थे जो कि इस नाम के प्रेसिडेंट बने थे, यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट के प्रेसिडेंट बने थे, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। तो ज्ञानी जेल सिंह और नीलम संजीवा रेड्डी, ये दो ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो है प्रेसिडेंट रहते हुए सेक्रेटरी जनरल की भूमिका निभाई है, यानी कि अध्यक्ष की भूमिका या महासचिव की भूमिका निभाई है नाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्ण? स्टे इन द अमेरिका फॉर द सम टाइम एंड वॉज ऑल्सो इलेक्टेड टू द सेंट्रल असेंबली ही वॉज, यानी कि एक ऐसा पर्सन है जिन्होंने मेजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण की जीवनी लिखी, कुछ समय वो अमेरिका में भी रहे और फिर सेंट्रल असेंबली के अंदर चुने भी गए, वो पर्सन कौन है? हमें ये बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से बताएंगे सभी साथी हमारे, क्विकली आंसर करेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये। इस तरह के सवाल हमारा एग्जामिनर हमसे पूछता ही पूछता है, तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके क्वेश्चन के क्या करेंगे, आंसर करेंगे, तभी हमारा जो है प्रिपरेशन अच्छे से निखर के सामने आएगा और पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ रखा है और कितने की हमें रिक्वायरमेंट है एग्जाम से पहले पहले। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा, लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, लाला लाजपत राय ने जो है एक इंडियन होम रूल लीग बनाया था, कहाँ पर? न्यूयॉर्क के अंदर। कहाँ पर? इंडियन होम रूल लीग। जब भी आप होम रूल लीग पढ़ते हो तब इसके बारे में पढ़ते हो, होम रूल लीग जो है बनाया था, ये कहाँ बनाया था? हमारा न्यूयॉर्क के अंदर बनाया गया था। और ये होम रूल लीग जो न्यूयॉर्क के अंदर बनता है, कब बनता है? न्यूयॉर्क मतलब कि हमारा यूएसए, अमेरिका, ठीक है ना। न्यूयॉर्क मतलब हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका। और कब बनता है ये? टाइम पीरियड होता है 1917 का। कब होता है? 1917 का होता है। और यूएसए के अंदर जाके वो भारत की जो इंडिपेंडेंस है, आज़ादी है, उसके खिलाफ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो एकजुट कर रहे थे, इसलिए इंडियन होम रूल लीग बनाया गया था। और फिर बाद में इन्होंने जो है इनको जो है डेप्यूटी लीडर भी बनाया गया था, आपको याद होगा, जब हमारा 1926, कौन सा टाइम पीरियड आता है? 1926 का टाइम पीरियड आता है। और 1926 के अंदर जो है हमारे सेंट्रल असेंबली होती है, उसमें ये डेप्यूटी लीडर बनते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और वहीं पर इनको जो है पंजाब केसरी का दर्जा दिया जाता है, और ना, और ये साथ साथ हमारा लाल पाल बाल का जो है पूरा पूरा सिनेरियो हमें सामने आता है। और उसके बाद में जो है इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर ये बुक्स लिखी थी ना, इनका जो है ट्रांसलेशन भी किया था, बायोग्राफीज लिखने का काम किया था, मैजिनी का और हमारे गिरिबाल्डी का, शिवाजी का और श्री कृष्ण का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, ठीक है ना। और भी कई सारी बुक्स है जो कि इनसे रिलेटेड रहता है, लेकिन कई जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है वो हमारा इससे रिलेटेड पूछी जाती है, श्री कृष्ण जी से रिलेटेड। और वो बुक का नाम याद रखिएगा, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है हमारा, योगी राज श्री कृष्ण। क्या है? योगी राज श्री कृष्ण इस बुक का नाम था। कौन सा था? योगी राज श्री कृष्ण ये बुक का नाम था, जो कि श्री कृष्ण जी की बायोग्राफी से रिलेटेड था, यानी कि जीवनी से रिलेटेड था। इस बुक के बारे में बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। यहाँ एक तरफ लिख रखा है हमारा लीडर, दूसरी तरफ लिख रखा है स्थान, तो हमें यह बताना है कि स्वदेशी मूवमेंट, कौन सा स्वदेशी आंदोलन जो है उसमें कौन से स्थान पर कौन लीडर था? ये ऑलरेडी मैच हो रखा है ना, करेक्टली मैच कौन सा है वो आपको बताना है यहाँ पर, है ना। करेक्टली मैच कौन सा है, ओनली ये बताना है आपको, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट के रेस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है।
देखो ऐसे ही सवाल आएंगे एग्जाम के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और बहुत बार पूछे जाते हैं ये सवाल। तो हमारा टारगेट ये रहता है कि हम किस तरह से इसको ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर पाए और हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि क्या होगा एग्जाम में अगर हम ध्यान नहीं देंगे और इस तरह के क्वेश्चन को मिस करेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे लिए। तो देखते हैं कितने साथी हमारे इसका राइट आंसर करते हैं। तो टाइम होता है यहाँ पर हमारा अप, और राइट आंसर जो रहता है वो रहता है 1, 2 एंड 4, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये जो पर्टिकुलर पार्ट है 1, 2 एंड 4 बिल्कुल सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम सही चीज़ बता रखी है ना, सब बराबर है। लेकिन ये जो पार्ट है आपका ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं थे, ये जो है लीडर थे हमारे दिल्ली के अंदर। कहाँ थे? दिल्ली के अंदर। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिल्ली से इन्होंने जो है मूवमेंट को स्टार्ट किया था। बाकी हमारे लाला लाजपत राय हो गए, अजीत सिंह जी हो गए, जिन्होंने पंजाब से स्टार्टिंग की थी, है ना। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह जी दोनों ने कहाँ से स्टार्ट किया था? पंजाब से स्टार्ट किया था। हमारा चिदम्बरम पिल्लई जी जो है मद्रास से स्टार्टिंग की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको याद रखना होगा इस चीज़ को। और इसी के साथ साथ हमारे बॉम्बे के अंदर जो है, बॉम्बे और पूना दोनों के अंदर जो है हमारा बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो बस ये सैयद रजा हैदर रजा है वो दिल्ली से लीड कर रहे थे मूवमेंट को, ये चीज़ याद रखनी होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है ना। ये जो है हमारा डे पार्टीशन डे था, हमारा बंगाल का जो पार्टीशन वाला पार्ट था, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 का ये टाइम पीरियड था, तब ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। सभी को याद होना चाहिए, फटाफट से इनको लाइक कर दो और शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी ने इन्हें खेड़ा सत्याग्रह की सफलता का श्रेय दिया। इन्होंने कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें गांधी इरविन समझौते की अभिपुष्टि की गई, और स्वतंत्रता के बाद ये भारत के प्रथम सूचना और प्रसारण मंत्री बने। इनका नाम क्या है? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। चलिए बताइए कौन है वो राइट पर्सन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, लाइक कर दो सेशन को फटाफट से और शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमारा एग्जामिनर हमसे ये सवाल पूछता ही पूछता है। तो टाइम होता है यहाँ पर हमारा अप, और राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल करेक्ट है, खेड़ा सत्याग्रह जो हमारा हुआ था ना, खेड़ा सत्याग्रह अंदर बारदोली सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह ये सब हम पढ़ते हैं। तो उस समय आपको पता होगा कि 1926 के अंदर, फरवरी 1926 के अंदर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं, उस समय वहाँ की जो बारदोली की वुमेन्स है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इनको सरदार का उपाधि देती है। और फिर जो हमारा गांधी इरविन समझौता होता है उसके अंदर भी ये जो है बिल्कुल गांधी जी के साथ साथ उसमें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जेल भी गए थे उनके ना ये 3 साल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और जब वॉर ख़त्म होता है और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, वर्ल्ड वॉर मतलब जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, तब याद रखिएगा ये हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, और साथ ही साथ इनको 3 मिनिस्ट्री दी गई थी, वो मिनिस्ट्री दी गई थी, ये सबको याद है। इसीलिए हो सकता है एग्जाम क्वेश्चन के अंदर कन्फ्यूजन हो। इसी के साथ स्टेट से लेकर जो है रीऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्री दे रखा था, और साथ ही साथ जो है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री भी दे रखी थी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फैक्ट है ये बहुत रेयरेस्ट बुक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये 3 मिनिस्ट्री दी गई थी और ये भारत के जो है पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी बने थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस दोनों अच्छे लग रहे होंगे, चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक पर राष्ट्र ध्वज फहराया। ये दिल्ली की प्रथम निर्वाचित महापौर भी थी, और स्वतंत्र प्राप्ति के बाद कांग्रेस छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई, वो महिला कौन है? ना योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ था अभी हाल ही के अंदर, मैंने लास्ट या फिर इससे पहले की क्लास के अंदर मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था, तब इनका नाम लिया था, याद होना चाहिए आपको। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, सी राइट रहेगा, अरुणा असफ अली। टाइम पीरियड था 1942 का, और चल रहा था यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट, जब चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और उस समय जो ग्वालियर टैंक था हमारा, कौन सा टैंक था? ग्वालियर टैंक नहीं पढ़ेंगे, उस दिन भी मैंने बताया था आपको, ग्वालियर टैंक था वहाँ पर ये अरुणा असफ अली जी चढ़ के जो है क्या करती है, भारत का राष्ट्र ध्वज फहराती है। और उसके बाद में हमारा टाइम पीरियड आता है 1958 का,
1958 के अंदर जो है ये हमारा मेयर बनती है, फर्स्ट इलेक्टेड मेयर होती है हमारी दिल्ली की, है ना, मेयर ऑफ दिल्ली बनती है, और पहली जो है ये निर्वाचित महापौर होती है दिल्ली की, ये भी बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट है। इसके बाद हमारा जब 1948 के अंदर हमारा कांग्रेस जब देश आज़ाद होता है तो 1948 की कांग्रेस को छोड़ देती है और कम्युनिस्ट पार्टी, एक्चुअल में बोला जाए तो सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेती है। किसको ज्वाइन कर लेती है? सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेती है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और फिर ये अर्ली 50s के अंदर किसके अंदर? कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर चली जाती है। तो बिल्कुल हमारा कौन है ना, करुणा असफ अली, इसका राइट आंसर। ये चीज़ याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ये चीज़ आपको काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकता है ग्वालियर टैंक पर किसने फहराया, दिल्ली की प्रथम निर्वाचित महापौर कौन थी, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी ऐसी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई थी, ऐसे कई सारे सवाल जो है और भी बन सकते हैं। इसका फॉर्मेट ऐसा बना है ताकि आपको कम टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सवाल हो सके, ये हमारा बेसिकली अप्रोच रहता है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वुमेन लीडर और लीडर्स पार्टिसिपेट इन द डांडी मार्च ऑफ 1930? निम्नलिखित में से किस और किन महिला नेत्री या नेत्रियों ने 1930 के डांडी मार्च में भाग लिया था? तो तीन महिलाओं का यहाँ नाम लिख रखा है, कौन किन्होंने भाग लिया था ये हमें बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आराम से सोचिए, रिवाइज करिए, लेकिन रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ऐसे ही सवाल हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है और यहीं से सवाल आएंगे। 3500 से ज़्यादा सवाल हम करने वाले हैं 60 क्लासेस के अंदर, तो इससे बाहर के चांसेस नहीं है। हो सकता है पैटर्न में ये ना हो, क्योंकि कई सारे एग्जाम जो है इस पैटर्न में नहीं पूछते, लेकिन हमने मिक्स बनाया है जिसमें डायरेक्टली ABCD भी हो, डायरेक्टली इस तरह से भी हो, क्योंकि कई सारे एग्जाम के अंदर स्टेट के अंदर ऐसे सवाल भी आते हैं, और नहीं भी आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि डायरेक्टली भी सवाल पूछ सकता है कि निम्न में से किसने शामिल किया, तो आपको तीनों में से कोई नाम मिल जाएगा। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और राइट आंसर यहाँ रहता है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4। तीनों ही महिलाएं जो है वो बिल्कुल करेक्ट है हमारा, है ना। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सरोजिनी नायडू, कमला देवी जी, उसके साथ साथ हमारा जो है मतंगी जी, और एक और पेरिन कैप्टन, जिसको दादाभाई नौरोजी की ग्रैंड डॉटर कहा जाता था। कौन? एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन थी, पेरिन कैप्टन। नाम क्या था इनका? पेरिन कैप्टन नाम था। ये भी एक महिला थी, दादाभाई नौरोजी की जो है ये ग्रैंड डॉटर थी, पोती थी, और ये जो है डांडी मार्च के अंदर भाग लेती है। तो बिल्कुल करेक्ट पार्ट है हमारा, तीनों ही ऑप्शन क्या है हमारे सही है, ये तीनों महिलाएं होती है और इसी के साथ पेरिन कैप्टन होती है। पेरिन कैप्टन कौन? पेरिन कैप्टन हमारी जो है दादाभाई नौरोजी की जो है ग्रैंड डॉटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ओके संसाम, संसाम 9 PM क्लास इज फ्रॉम नाउ ऑन विल बी टेकन बाय द वसु कटारा सर, आई होप यू आर अटेंडिंग दैट क्लास टू। ओके फ्रॉम नाउ ऑन वसु कटारा सर विल टेक दैट क्लास रेगुलरली ऑन 9 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेफरेंस टू द रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया विद सॉरी विद रेफरेंस, ये क्या होगा? विच नहीं होगा, विद होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि भारत के अंदर जो है राज्य पुनर्गठन के संबंध में कुछ विचार है हमारे, कुछ यहाँ पर कमेटीज बनाई गई थी, उसको आपको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि पहली कौन से बनी, फिर कौन से बनी, फिर कौन से बनी, ऐसे अरेंज करना है आपको। पहले घटना कौन सी हुई, फिर घटना कौन सी हुई, फिर घटना कौन सी हुई, ये आपको बताना है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था तो अलग अलग घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी घटना कब कब हुई उसको अरेंज करना है, सबसे पहले से लेकर के सबसे बाद के अंदर। थैंक यू संसाम फॉर योर अप्रिसिएशन, दैट वेरी दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर मी, बट यस देर आर सम डिसीजंस बाय द मैनेजमेंट, सो देर इज नो इशू, आई एम टेकिंग दैट दिस क्लास ऑल्सो, देर इज नो इशू, दिस थिंग्स हैपन। यू कैन आस्क मी एनी डाउट ऑन आवर टेलीग्राम चैनल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट। सो राइट आंसर हमारा जो यहाँ रहता है वो हमारा राइट आंसर रहता है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल करेक्ट है हमारा, 1, 2, 4 एंड 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा, ऑप्शन नंबर C जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये जून 1948 के अंदर होता है। कब होता है? जून 1948 के अंदर होता है ये घटना। उसके बाद JVP कमेटी बनती है, कब? दिसंबर 1948 के अंदर बनती है। उसके बाद घटना होती है आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन होता है, जो कि
अक्टूबर 1953 के अंदर होता है, कब होता है? अक्टूबर 1953 के अंदर होता है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और फिर बाद में जो है दिसंबर 1953 के अंदर क्या होता है, दिसंबर 1953 के अंदर हमारा ये कमेटी बनती है, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट, और इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 होता है। तब हमारा जो है 14 स्टेट्स बनते हैं, यानी कि 14 जो है हमारे राज्य बनते हैं, और 6 जो है हमारी यूनियन टेरिटरीज बनती है, और पार्ट ए बी सी डी जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इस चीज़ को याद रखना, एग्जामिनर इस तरह के सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग से रिलेटेड सवाल है, फिर से 1955 का टाइम पीरियड है, अभी मैंने आपको बताया, तो इससे रिलेटेड दो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं, कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमें बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो टाइम हुआ हमारा यहाँ पर अप, और राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन। यहाँ पर ये बात तो सही है कि आंध्र प्रदेश की डिमांड जो हुई थी, या फिर आंध्र प्रदेश का जो क्रिएशन हुआ था, वो हमारा लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका फॉर्मेशन जो है इस कमिटी के आधार पर नहीं हुआ था, इस कमिटी के रिकमेंडेशन आधार पर नहीं हुआ था। अभी जस्ट हमने यहाँ पर पढ़ा, देखो ध्यान से देखो, अभी हमने जस्ट यहाँ पर पढ़ा हमने इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर कि ये तो पहले हुआ और उसके बाद में ये घटना हुई, तो कैसे हो सकता है ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस चीज़ को याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक तो सही कह रखा है, आंध्र प्रदेश जो है हमारा लिंग्विस्टिक बेसिस पर बना, लेकिन किस आधार पर पूछ रहा है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद में इट ऑल्सो रिकमेंड क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट ऑफ विदर्भ, यस ये बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट कह रखा है। विदर्भ की जो है इन्होंने बात की थी कि हमें क्या करना चाहिए, मध्य प्रदेश और जो बॉम्बे है उसके कुछ कुछ हिस्सों को लेना चाहिए, और फिर विदर्भ की क्या करनी चाहिए, फॉर्मेशन करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना, वो एक प्रॉब्लम रहा, ऐसा हो नहीं पाया। तो बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट, कौन सा है हमारा ये पर्टिकुलर पार्ट, बिल्कुल सही कह रखा है। और यहाँ पर एक छोटे से पॉइंट की वजह से ये गलत हो गया ना, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि हमारा आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के आधार पर बना था, लेकिन इसकी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर नहीं बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ढोल जो कि क्या है, एक जंगली मांसाहारी जानवर है ना, एक वाइल्ड कार्निवरस कार्निवरस हमारा क्या है, एनिमल है, उससे रिलेटेड यहाँ पर क्या है, कुछ कथन दे रखे। ये हाल ही के अंदर न्यूज़ के अंदर था, लास्ट 1 ईयर के अंदर जो है ये न्यूज़ के अंदर रहा है ढोल, उससे रिलेटेड ये सवाल है हमारा। तो यहाँ पर ढोल से रिलेटेड कौन सा पर्टिकुलर पार्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं है, हमें ये बताना है, क्या बताना है, कौन सा पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है और किसी तरह का मिस्टेक नहीं है, हमें ये बताना है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है ये, तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और मैंने हमेशा बताया है, जब कभी भी स्पीसीज पढ़ोगे तो हमेशा इसी अप्रोच से पढ़ोगे, है ना, तब कभी ज़िंदगी में भूलोगे नहीं। हमारा करंट अफेयर की क्लास के अंदर हमने कई बार डिस्कस किया है, स्पीसीज को हमेशा इसी अप्रोच से पढ़ना चाहिए ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हमें फेस करनी ना पड़े। तो टाइम होता है यहाँ पर हमारा अप, और राइट आंसर जो हमारा रहता है यहाँ पर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट डाउन, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। 2 एंड 3 बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट कह रखा है, फर्स्ट वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हिमालयन रीजन्स ओनली के अंदर नहीं पाया जाता है ना। आपने ढोल जो है हो सकता है बहुत कम नाम सुन रखा होगा, लेकिन आपने ये नाम जरूर सुन रखा होगा, एशियन वाइल्ड डॉग। ये ढोल कौन है, एशियन वाइल्ड डॉग है ना, एशियाई जंगली कुत्ता है ना, जिसको क्या कहते हैं, ढोल कहा जाता है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखिएगा, एशियन वाइल्ड डॉग है, एशियन जंगली कुत्ता है, जिसको ढोल कहा जाता है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसका अगर साइंटिफिक नेम की बात करूँ, वैज्ञानिक नाम की बात करूँ, तो वो भी याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनर हमसे इस तरह के सवाल भी पूछता है, तो काउन एल्पिनस, क्या नाम है, काउन एल्पिनस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। ये एशियन वाइल्ड डॉग के नाम से जाना जाता है, जिसको हम ढोल कहते हैं। साथ ही साथ ये पाया कहाँ जाता है, तो हिमालयन रीजन के अंदर नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है कर्नाटका के अंदर,
कहाँ पाया जाता है, इसका हैबिटेट कहाँ है, कर्नाटका है, इसी के साथ साथ हमारा एमपी है, और एमपी के साथ साथ ही हमारा महाराष्ट्र है, कहाँ है महाराष्ट्र है, यहाँ पर ये पाया जाता है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट सही नहीं हुआ, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, और ये बिल्कुल सही है, इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी के अंदर आता है, IUCN रेड लिस्ट के अंदर बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्क कह रखा है। और जैसा कि मैंने हमेशा बताया है कि तीन कैटेगरीज को हमें पढ़ना चाहिए जब भी हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करेंगे या फिर इसके हम अदर पॉइंट्स की बात करेंगे, तो तीन कैटेगरी पढ़नी चाहिए। एक कैटेगरी तो यहाँ दे रखी है हमारा, है ना, IUCN वाला। दो कैटेगरी और आती है साइट्स के अंदर, एक तो है ना अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा साइट्स के अंदर, और एक और कैटेगरी हमारा जो आता है वो आता है हमारा हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो भारत का है, वो हमें हर हाल के अंदर पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर हमें साइट्स के बारे में पूछ लिया जाए तो साइट्स के अंदर ये जो है हमारा अपेंडिक्स नंबर 2 के अंदर आता है, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन जिसके अंदर हम मानते हैं कि यस अभी तक तो इसका हमारा क्या है, अपेंडिक्स 2 का मतलब क्या होता है, जब कभी भी पढ़ो अपेंडिक्स 2 साइट्स के अंदर, तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है कि एक्सटेंड तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वो बहुत जल्द ख़त्म हो सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है शेड्यूल 2 के अंदर आता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये शेड्यूल नंबर 2 के अंदर आता है, यानी कि ये भी ये कहता है कि हाँ अभी तक ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है आगे वाले फ्यूचर के अंदर हमें इसकी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हमारा रहता है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसको आगे बढ़ते हैं हमारा, और उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। हाँ लास्ट पार्ट भी रहेगा हमारा, सॉरी फॉर दैट। ये वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो है शेर शिकारी, ये बिल्कुल करेक्ट पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, है ना, आपको याद होना चाहिए। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पीसीज हमारा ये है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, है ना, ये जो है हमारा वहाँ पर ये ढोल के लिए जो है एक हमारा पहला कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया था, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमारा क्या है एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम ही है। कहाँ बनाया गया था तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क के अंदर बनाया गया था पहला ब्रीडिंग सेंटर, किसके लिए, इस एशियन वाइल्ड डॉग ढोल के लिए, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर्मलिन से रिलेटेड सवाल है, किससे रिलेटेड सवाल है, फॉर्मलिन से रिलेटेड सवाल है, फॉर्मलिन इज अ कलरलेस फ्लेमेबल केमिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूज ऑफ इट। फॉर्मलिन एक क्या है, एक रंगहीन ज्वलनशील रसायन है, इसका क्या उपयोग है हमें ये बताना है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मलिन का क्या यूज़ किया जाता है ये बताना है। कई लोगों ने टीवी में देख रखा होगा, मूवीज़ में देख रखा होगा, वही पर्टिकुलर ये फॉर्मलिन है, जल्दी से बताइए, और बहुत बार न्यूज़ के अंदर भी ये रहा भी है, तो क्विकली आंसर करेंगे कौन सा पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पर जो है सही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमारे लिए, ये करंट अफेयर के रिलेटेड ये पर्टिकुलर पार्ट है, हमें बस ये करना है कि रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहना है ताकि आपका कोई भी पार्ट कभी मिस ना हो, और 3500 से ज़्यादा सवाल हम करेंगे तो कभी कोई पार्ट मिस होने के चांसेस रहेंगे ही नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन जो है हम यहाँ डिस्कस करते हैं, और बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों ही बिल्कुल करेक्ट है हमारा। एक्चुअल में क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा है, एक आपने नाम सुन रखा होगा IARC, क्या नाम सुन रखा होगा, IARC नाम सुन रखा होगा, पूरा नाम है इसका इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, क्या है, इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, जो कि WHO की एक बॉडी है, उसने इस फॉर्मल्डिहाइड को क्या कह रखा है, फॉर्मल्डिहाइड ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है जो कि इंसान के लिए तो अच्छा नहीं है, इंसान के लिए डायरेक्टली यूज़ करना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी फूड को जो है हमारे फ्रेश रखने के लिए, फलों के ऊपर जो आप चमक देखते हो वो मोम के साथ साथ फॉर्मेलिन के छिड़काव के करके भी बनाई जाती है, और साथ ही साथ जो मॉर्चरी है हमारा जो शव होते हैं वहाँ पर कुछ शव सड़े ना, है ना, ये भी हमारा जो है ट्राई की जाती है, शव जो है ज़्यादा लंबे टाइम पर तो चलता रहे ये मेजरली ट्राई किया जाता है, तो इसकी वजह से हमारा क्या ये प्रिजर्व करने में, बॉडी प्रिजर्व करने में काम आता है, लेकिन इंसान पर डायरेक्टली यूज़ करना ये बिल्कुल सही नहीं है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा, है ना, ये इंसान पर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, किसने कहा, ये WHO की एक संस्था IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने कहा, क्योंकि डायरेक्टली इस्तेमाल करने से कैंसर हो सकता है, ऐसी बात इसने कही थी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फटाफट से हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिलेट करता है केमिकल चेंज से, यानी कि रासायनिक परिवर्तन से रिलेटेड पर्टिकुलर पार्ट है, और कौन सा हमारा जो केमिकल चेंज है हमारा यहाँ पर इसका केमिकल चेंज का एग्जांपल है हमें ये बताना है। क्या बताना है हमें कि केमिकल चेंज का, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वो कौन सा है यहाँ पर ये बताना है, और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन क्लास 10th का क्वेश्चन है, और एग्जामिनर ने ये सवाल हमसे एग्जाम में पूछा है, मैंने सिर्फ ऑप्शन चेंज कर दिए क्योंकि वो पूछ चुका है तो वापस रिपीट नहीं करेगा हमारे एग्जाम पर एग्जामिनर, लेकिन लेवल जो है इसका वो क्या है क्लास 10 है।
बताइए फटाफट से, क्विकली आंसर करिए कौन सा पर्टिकुलर पार्ट सही है। फटाफट से देखो सेशन को शेयर कर दो, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो और लाइक कर दो भैया। लाइक जितने हमारे साथी देख रहे हैं, वो जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बाद में जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन अच्छा लगे, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे, टीचर समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे लिए। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओनली एंड ओनली ये जो सोनिंग ऑफ द मिल्क है, यानी कि जब दूध हमारा खट्टा पड़ जाता है, पता होगा रात को अगर हमने रख दिया, फ्रिज में नहीं रखा या फिर खुला छोड़ दिया या कुछ उसके अंदर मिक्स हो गया हमारा, तो सोनिंग ऑफ द मिल्क जो होता है वो हमारा क्या केमिकल चेंज है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंटेशन हो जाता है। बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है, फर्मेंटेशन हो जाता है, और इसी वजह से जो मिल्क दूध का सोनिंग यानी कि दूध का खट्टा पड़ना, ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस की अगर हम बात करें तो वो क्रिस्टलाइजेशन है ना, वो हमारा फिजिकल चेंज आता है, केमिकल चेंज नहीं आता है ना। वाटर तो वाटर है हमारा, है ना, वो वाटर हमारा किसके फॉर्म के अंदर आ गया, बस फिजिकली अपना फॉर्म चेंज कर दिया, लिक्विड की वजह वो किसके अंदर आ गया, एक हमारा जो है बर्फ आइस के अंदर फॉर्म हो गया, या आइस की वजह से किस में आ गया, सॉलिड से लिक्विड में आ गया, तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। तो ये भी हमारे क्या है, बिल्कुल गलत पार्ट है माना ना, बिल्कुल सही ऑप्शन नहीं। और क्रिस्टलाइजेशन तो सोडियम कार्बोनेट, ये भी एकदम सेम पॉइंट है, पाउडर की फॉर्म में हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता सोडियम क्लोराइड, और उसका फिर क्रिस्टलाइजेशन हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर लिक्विड फॉर्म के अंदर घुला हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ क्या है सोडियम क्लोराइड ही अलग अलग फॉर्म्स के अंदर है, बस उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, तो वो फिजिकल चेंज कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ना कि केमिकल चेंज। केमिकल चेंज सिर्फ और सिर्फ यही होता है सोरिंग ऑफ द मिल्क के अंदर, यानी कि दूध का आस्कंदन, जिसको हम दूध का खट्टा पड़ना कहते हैं, वही इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे आता है हमारा, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम ये पर्टिकुलर पार्ट आपका जो है ये न्यूज़ के अंदर था, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट है हमारा ये। तो आपको मैं 30 सेकेंड का टाइम पीरियड दूंगा, ये रिलेटेड है हमारा ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम से, यानी कि वैश्विक रूप से जो महत्वपूर्ण कृषि विरासत है प्रणालियाँ हैं हमारी, उससे रिलेटेड है ये न्यूज़ के अंदर था ये सवाल, इसीलिए मैंने आपको ये पार्ट बनाया है। तो चलिए योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आराम से इसका आंसर करिए, पढ़िए, और एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ऐसा सवाल हमसे पूछता ही पूछता है। कौन सा राइट आंसर रहेगा आप सभी को ये बताना है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जल्दी से बताएंगे। तो टाइम होता है यहाँ पर हमारा अप, और राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का रहता है वो रहता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल सही है, बस ये गलत है, ये बिल्कुल सही कह रखा है कि ये हमारा जो गियाज है ना, ये जो हमारा GIAHS है हमारा, जो कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम है हमारा, ये FAO यानी कि हमारा जो है फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी द्वारा लेके आया गया, बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट है, ताकि क्या कर सके हम लोग जो है हमारे जो विश्व की जो विरासत प्रणाली है कृषि से रिलेटेड है ना, उनको क्या कर सके हम लोग सुरक्षा कर सके, प्रोटेक्शन कर सके और उसको सपोर्ट कर सके, बिल्कुल सही कह रखा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही पर्टिकुलर पार्ट है। नेक्स्ट हमारा ये भी बिल्कुल सही है ना, कुट्टूनाड जो हमारा प्लेस है ना, कुट्टूनाड जो हमारा प्लेस है भारत के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ये समुद्र तल से भी नीचे क्या होती है, समुद्र तल के नीचे जो है यहाँ पर जो है, यानी कि जो लेवल है हमारा है ना, समुद्र तल से भी नीचे जाके हम कृषि यहाँ करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी हमारा क्या है, आमतौर पर इसके ऊपर राइस क्या उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है, कुट्टूनाड जो हमारा प्लेस है ना, राइस की खेती की जाती है, वो समुद्र तल से भी नीचे होती है, बिल्कुल सही पर्टिकुलर पार्ट कह रखा है। ये भी हमारा क्या है, FAO ने जो है इसको मान्यता दी है, लेकिन ये गलत है, ये जो कह रखा है ओनली टू नहीं, ओनली टू नहीं है, तीन है, एक तो कुट्टूनाड खुद हो गया अभी मैंने आपको बताया, दूसरा कौन है ना, दूसरा हमारा है पम्बोर, कौन सा है हमारा है ना, पम्पोर है, पम्पोर सेफ्रॉन हेरिटेज कहाँ है, कश्मीर के अंदर, पम्पोर सेफ्रॉन हेरिटेज है हमारा, कृषि की ये जो खेती का प्रणाली है हमारा कहाँ है हमारा, ये कश्मीर के अंदर है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, याद रखिएगा, दो नहीं तीन है जिसको इसके अंदर मान्यता मिल रखी है, एक तो हमारा कश्मीर का हो गया, दूसरा हमारा जो है उड़ीसा का है, कौन सा, कोरापुट, कौन सा है हमारा, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, कौन सा, कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर नाम का एक हमारा मेथड है, और
ये कहाँ का एग्जिस्ट करता है, तो ये उड़ीसा का एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये उड़ीसा का एग्जिस्ट करता है, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये जो आपका पड़ा कुटुनाड, ये कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये केरला के अंदर है। तो तीन जो है हमारी पद्धति ऐसी है जिनको इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है, जिस तरह से आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है, वैसे के वैसा ये हमारे जो है पार्ट्स है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इन तीन को जो है मान्यता मिल रखी है, दो को नहीं, इसीलिए गलत है। ऑप्शन नंबर वन और टू इसीलिए सही है। तो ये था हमारा आज का पूरा पार्ट। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी, क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे होंगे, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हम फिर मिलेंगे कल सेम टाइम पीरियड के अंदर, संडे टू थर्सडे सुबह 9:30 बजे। और आप चाहे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर अदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेटअप आपको जो है इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाता है। और आप हमारे इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे सुपर फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। उसके लिए आपको एक प्लान पहले चूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास चार ऑप्शन अवेलेबल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक प्लान चूज़ कर सकते हैं। फिर आपको उसके ऊपर एक कूपन कोड अप्लाई करते हुए जो कि अवेलेबल रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा कूपन कोड है Nature45, तो इसको अप्लाई करेंगे है ना, तो ये हमारा जो है अवेलेबल डिस्काउंट मिल जाएगा। उस समय जो भी आपका कूपन कोड अवेलेबल होगा वो आपको ऐप में दिखाई देगा, और फिर हमारा जो है डिस्काउंट, उसमें जो फाइनल पेमेंट आएगा कूपन को अप्लाई करने के बाद में, उससे आप फाइनली कंटिन्यू जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये रहेगा हमारा कि रनिंग एंड अपकमिंग कोर्सेज सबका एक्सेस मिल जाएगा, वेल स्टडी प्लान मिलेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट और डाउट को क्लियर कर सकते हो। कोर्स रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप पता कर सकते हैं, है ना, जिसमें आपका काउंसलर जो है हर एक कॉन्सेप्ट को, आपका हर एक पर्टिकुलर जो डाउट है उसको क्लियर कर देगा रिलेटेड टू द कोर्स, ठीक है ना। चलिए फिर, ये हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है जो कि आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक पर्टिकुलर टाइप को जो है, हर एक पर्टिकुलर पार्ट को आपको क्लियर करती है, कोई डाउट आपका मिस करती नहीं है। तो उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा सेशन के अंदर। और इस क्लास का PDF जो है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दिया जाएगा, और UPSC के अंदर अगर आप ऐड है तो मैं आपको इस क्लास के बाद में ऑलरेडी इसका PDF शेयर कर दिया जाएगा। तो प्लीज़, इसे आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और सेशन को लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बने रहिए गेटअप के साथ, क्योंकि सही प्रेप है तो लाइफ सेट है। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट अगेन वेरी वेरी सून ऑन द सेम टाइम एट 9:30 AM from Sunday to Thursday. Ram Ram, Dua Salam.